खरगोन जिले के बालसमुंद में मुस्लिम समाज का ऐतिहासिक दो दिवसीय इज्तेमा बुधवार शाम को दुआ के साथ संपन्न हुआ। आयोजन इज्तेमा में लगभग 30,000 लोग शामिल हुए, जिसमें उलेमाओं ने अपने बयानों में इंसान को जिंदगी की हकीकत से रूबरू करवाया। इंसान के लिए जिंदगी कुछ नहीं है, चार रोज की जिंदगी है, लेकिन असल जिंदगी मरने के बाद की है, जो कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह के बताए हुए रास्ते और हजरत मोहम्मद साहब की सुन्नतों पर अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा, वह दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरी में भी कामयाब होगा। उलेमाओं ने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रोजे रखो, जकात दो, हज करो, गरीबों की खिदमत, आपसी भाईचारा कायम करो, ऐसी कई बातों पर अमल करने की समझाइश दी गई। इस मौके पर शाम के वक्त एक साथ अल्लाह के सामने हजारों हाथ दुआओं के लिए उठे और मुल्क के साथ ही जिले में आपसी भाईचारा, अमनो अमान और खुशहाली की दुआएं की गई। हालांकि आखिरी दिन मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना कारोबार बंद कर हजारों की तादाद में दुआ में शामिल हुए। हाजी शमीमुद्दीन जिलानी ने बताया कि अपनी जिंदगी को ऐसे बनाएं कि आपके जिंदगी को देखकर इस्लाम को समझें और खास तौर से पूरे आलम में चैन, अमन, सुकून कायम हो और भाईचारा आम हो जाए। लोगों में जो गलत फहमियाँ फैली है वह दूर हो जाए। युवाओं को संदेश देते हुए बताए कि दुनिया में आने का क्या मकसद है, इसे समझें और अपनी जिंदगी बिताएं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। इसके अंदर जो है महाराष्ट्र के जिम्मेदार हजरत आए हुए हैं, हाफिज मंजूर साहब के साथ एक पूरी जमात आई हुई है और इसमें सुबह जो फजर के अंदर बात की मौलाना शमसुद्दीन साहब ने बात की थी, जोहर के अंदर जो है दिल्ली निज़ामुद्दीन से आए हुए मौलवी यूसुफ साहब ने बात की और जोहर के अंदर ही बड़े पंडाल के अंदर जो है मुफ्ती इलियास साहब ने बात की और असर के अंदर जो है भोपाल से आए हुए हमारे हफीज़ इकबाल साहब ने बात की और अभी मगरिब के अंदर मौलाना यूसुफ साहब अभी बात कर रहे हैं, अभी उनका प्रोग्राम चल रहा है और आज मजमा भी काफ़ी बड़ा मजमा हो गया, करीब 30,000 की नफरी हो गई है मजमे में लगभग, यानी पंडाल जो हमारा बना हुआ था उसके एतबार से हमने इसको नापा है कि इतने ज़्यादा लोग होंगे कि पंडाल से दुगने लोग हो गए हैं, यानी पंडाल से बाहर भी काफ़ी लोग हैं। कितने क्षेत्र में पंडाल लगा हुआ है? पंडाल लगा है हमारा 1,20,000 स्क्वायर फीट पर। कितनी पब्लिक, कितने मुस्लिम जन होंगे? यानी पूरी पब्लिक 30,000 के करीब, लगभग 30,000 के लगभग। इसमें मुस्लिम समाज जनों को क्या हिदायत दी जा रही है? उनको खास तौर से हिदायत दी जा रही है कि अपनी जिंदगी को ऐसी बनाए कि आपकी जिंदगी देखकर इस्लाम को लोग समझे और खास तौर से पूरे आलम में चैन, अमन, सुकून कायम हो और भाईचारा एक आम हो जाए, भाईचारे की बात एक आम हो जाए, लोगों में जो गलत फहमियाँ फैली हुई है उसको ख़त्म किया जाए, इस्लाम के प्रति लोगों के दिल के अंदर जो बातें हैं, जो गलत फहमी है उसको दूर किया जाए और तमाम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से फ़र्ज है कि वो जो है अपनी ज़िंदगी को ऐसी बनाए कि उनकी ज़िंदगी सही रहेगी तो सारे आलम के अंदर खैर वजूद में आएगी। मुस्लिम समाज जनों को क्या संदेश देना चाहते हो युवाओं को? खास तौर से युवाओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि वो असल में अपने आने का, दुनिया में आने का मकसद को पहचाने कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, आने का मकसद ये है कि मेरी आखिरत की ज़िंदगी बन जाए और मेरे आने से दुनिया में चैन अमन कायम। इस्लाम में दिन मुस्लिम जैन से के तक ही गया है और मस्तूरात तक नहीं गया है, तो उन लोगों तक, महिलाओं तक अब किस तरीके से दिन को पहुंचा? जी जी, दिन यानी जितना मर्दों के ऊपर दीन का हक है उतना ही औरतों पर भी है, उतना ही बच्चों पर भी है और उन सब की फिक्र की जाए, बच्चों की जो है मदारिस के एतबार से उनकी फिक्र दी जाती है और दावत के एतबार से ख़ास तौर से औरतों की, कि औरतें भी अपने मर्दों के साथ जो है अल्लाह के रास्ते पे निकलकर इस दीन को अपनी ज़िंदगी में लाकर और फिर इस दीन को फैलाने की फिक्र करें अपनी ज़िंदगी में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।